सलमान खान की टाइगर 3 इंटरनेशनल मार्केट्स में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। ये रिकॉर्ड पहले शाहरुख खान की पठान के नाम था, जिसे शाहरुख की ही जवान ने पछाड़ा। अब टाइगर 3 ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, मगर इसमें एक पेच है। टाइगर 3 वैसे तो दुनिया भर में 12 नवंबर को रिलीज हुई, मगर कुछ देशों में फिल्म के प्रीमियर्स 11 नवंबर की रात से ही शुरू हो गए थे, मगर इससे पहले दिन का ही कलेक्शन गिना जाएगा। टाइगर 3 ने पहले दिन दुनिया भर से 94 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें से 41.65 करोड़ रुपए फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से कलेक्ट किए। जनवरी 2023 में आई शाहरुख खान की पठान इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली हिंदी फिल्म बनी। इंडस्ट्री ट्रैकर SACNILK.com के मुताबिक पठान ने ओवरसीज से 37 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। सितंबर में आई शाहरुख खान की जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़कर विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। जवान ने पहले दिन विदेशी टिकट खिड़की से 39.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब सलमान खान की टाइगर 3 ने शाहरुख की इन दोनों ही फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। टाइगर 3 ने पहले दिन इंटरनेशनल मार्केट से $5 मिलियन यानी 41.65 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसमें 11 नवंबर को हुए प्रीमियर शोज और पेड प्रीव्यूज से हुई कमाई भी शामिल है। भले टाइगर 3 ने विदेशों में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर इंडिया में ये पिक्चर शाहरुख की जवान और पठान से काफ़ी पीछे रह गई। इसकी मुख्य वजह फिल्म की दिवाली के दिन रिलीज बताई जा रही है। दिवाली के दिन शाम और रात के शोज में जनता नहीं आती, टाइगर 3 को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बावजूद इसके फिल्म ने उम्मीद से ज़्यादा 44.50 करोड़ रुपये की कमाई की है, मगर टाइगर 3 अपने पूरे रंग में सोमवार और मंगलवार को दिखने जा रही है। रिपोर्ट्स और बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के मुताबिक टाइगर 3 सोमवार को देशभर से 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करने जा रही है। सलमान की फिल्म ऑक्यूपेंसी शाहरुख की पठान से बेहतर चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो टाइगर 3 दूसरे दिन 65 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी छू सकती है। इसी के साथ टाइगर 3 दो दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन जाएगी। इससे पहले पठान और जवान ये कारनामा कर चुकी हैं। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेवती, विशाल जेठवा, कुमुद मिश्रा, अनंत विधात और रणवीर शौरी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। और आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी श्वेता अंक ने। मैं हूं मेघना, देख रही ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। की इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, सही सही कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तू ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।